जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नया बंगला होगा कोठी रोड स्थित। कलेक्टर बंगले के सामने सीएम का बंगला और ऑफिस तैयार किया जा रहा है। ये बंगला विक्रम विश्वविद्यालय के कुलसचिव का है। बंगले की रंगाई पुताई की जा रही है। सीएम जब उज्जैन आएंगे तो यहीं पर जनता जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का एक नया निवास होगा। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त विक्रम विश्वविद्यालय के कुल सचिव का निवास है। यहाँ पर अब मुख्यमंत्री का निवास होगा और इसकी जो है रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, साथ ही पूरे बंगले की जो है मरम्मत की जा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जब भी उज्जैन आएंगे तो उनका घर तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है ही। इसी के साथ अब इस बंगले में भी रात्रि विश्राम कर सकते हैं, उनके कामकाज जो है वो भी देख सकते हैं। बंगले के साथ साथ यहाँ पर ऑफिस भी होगा उनका, और जिसमें मुख्यमंत्री जो है उज्जैन आएंगे तो जब भी अधिकारियों से चर्चा करना है या किसी से मुलाकात करना है तो वो इसी बंगले पर मुलाकात होगी और रात्रि विश्राम भी वे यहीं पर करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोठी रोड है और कोठी रोड पर ये सामने ही कलेक्टर बंगला है। तमाम जो अधिकारी रहते हैं उन सबके बंगले हैं। उसी के जस्ट सामने ही विक्रम विश्वविद्यालय के पास में इस बंगले को मुख्यमंत्री के नाम पे अलर्ट किया गया है। अब इसी में मुख्यमंत्री का निवास होगा और यहीं से मुख्यमंत्री अब जो है उज्जैन जब भी आएंगे तो अपनी बैठकें और अधिकारियों से और साथ में जनप्रतिनिधियों से और अन्य लोगों से मुलाकात भी कर सकेंगे। उज्जैन से जय पटवा न्यूज 18 मध्य प्रदेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कल प्रदेशवासियों को दीपावली की तरह उत्सव मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है, लोग अपने घर के आगे राम ज्योति जलाएं, राम धुन गाएं। उन्होंने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि 22 जनवरी के दिन को अमर बनाएं। भाइयों, बहनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, कल का दिन हमारे सबके लिए अयोध्या में एक बहुत अलग प्रकार का दिन और ख़ास करके 22 जनवरी अयोध्या में प्रभु राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य और दिव्य मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं। जिस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है। परमात्मा की दया से पूरा प्रदेश भगवान राम और देश को क्या प्रदेश और पूरी दुनिया इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन इस संघर्ष के बाद भी जब ये दिन आया है तो पूरा देश रोमांच से भरा हुआ है, धार्मिक भक्ति और भाव में डूबा हुआ है। आइए हम सब भी मिलकर के कल के दिन को अमर बनाएं, कल दिवाली मनाएं, अपने अपने घर के आगे राम ज्योति जलाएं, रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उत्सव का वातावरण बनाएं, त्यौहार मनाएं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे प्रदेश में एक उल्लास का वातावरण इसमें बना हुआ है। मैं स्वयं भी ओरछा रह करके इस आयोजन का साक्षी बनूंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में पूरे प्रदेशवासी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ होने वाले इस कार्यक्रम में साक्षी बने। हम सब अपने अपने स्थान से होकर के इस पूरे कार्यक्रम को निहार सकते हैं और जब हमारा समय हमको बताया जाएगा तब हम सब जाके अयोध्या में प्रत्यक्ष दर्शन भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर की आयोजन की बधाई।